नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हिट एंड रन केस के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता के बारे में और इसका डिफरेंस के बारे में बात करूंगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड 304A के तहत कौन से ऐसे कानून थे जो अभी तक चल रहे थे, और मैं आपसे बात करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में, यानी इसके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे नए लॉ आए हैं जिसके वजह से सारी जगह पर प्रोटेस्ट हो रही है, यानी स्टेट या सिटी किसी भी जगह पर देखे तो प्रोटेस्ट चल रहा है। ड्राइवर के पास अगर इतना रुपया हो तो वो ड्राइवर क्यों रहेगा? मोदी सरकार का ये गलत निर्णय है। और इसकी वजह से पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, लोग लंबे लंबे लाइन में पहले पेट्रोल फिलिंग के लिए इंतज़ार में खड़े हुए हैं या फिर डीजल के लिए, तो इसकी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे शॉर्टेज चल रही है पेट्रोल की प्लस डीजल की। इसके वजह से जो नेसेसिटी गुड्स है जैसे कि प्याज हो गए, आलू हो गया या फिर जितनी भी हरी सब्जियां हो गई हैं, इनकी जो दाम है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आप इन्फ्लेशन कहते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 जनवरी को और ये प्रोटेस्ट चल रहा है 1 जनवरी से, तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितना प्रभाव पड़ा, यानी एक मोबिलाइजेशन नहीं हुई केवल ड्राइवर कम्युनिटी की वजह से। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून किस हद तक लोगों के हित में है, किस हद तक ये डिसफेवर में है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप इसके फेवर में हैं या फिर डिसफेवर में हैं। तो अगर हम इसकी लॉ के बारे में बात करें, भारतीय न्याय संहिता के बारे में, तो यहाँ पर आपको 7 लाख तक जुर्माना हो सकता है प्लस 10 लाख तक 10 साल की आपकी जेल हो सकती है। और आप मेरी राय माने तो मैं इसके पूरी अगेंस्ट में हूँ इस बिल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक आम पब्लिक पर 7 लाख का जुर्माना लगाना एंड इतने लंबे टाइम पीरियड तक अगर उसको जेल में रखना, ये किसी तरीके से लोगों के हित में नहीं है। क्योंकि बाय द वे अनएक्सीडेंटली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस सिचुएशन में अगर जो ड्राइवर है या फिर जो उसका ओनर है अगर जाता है पुलिस में दर्ज कराता है तो उसको मैक्सिमम 5 साल तक उसको जेल हो सकती है प्लस 7 लाख तक जुर्माना भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई हिट एंड रन कर भी देता है तो यहाँ पर खुद से बचने की कोशिश करेगा कि मैं वहाँ पर जाऊँ ही नहीं। तो एक अगर मोरालिटी की बात की जाए तो मोरालिटी को डिक्रीज करता है प्लस आइडेंटिटी को छुपाने की बात करता है यहाँ पर, कि किसी तरीके से पहचान में ना आ जाऊँ ताकि वहाँ पर मेरी ये 7 लाख का जुर्माना भरना पड़े। और सरकार किसी तरीके से कमाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से कहाँ पैसा आए, हर एक तरीके से फाइन। मेरे को तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी अमाउंट का फाइन लगाना चाहिए और इतने लंबे टाइम पीरियड तक जेल में रखना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ये अप्रैल 2024 में अगर ये बिल प्रेसिडेंट के द्वारा साइन हो जाती है तो ये पूरी तरीके से प्रस्तावित हो जाएगा लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया है जो कि भारतीय न्याय संहिता बिल अब जाना जा रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको 7 लाख तक जुर्माना एंड 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम अगर एक्सटेंड भी कर सकता है जिस हिसाब से सिचुएशन होगा। और मैं डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो प्रीवियस क्या होता था कि अकॉर्डिंग टू 304A के तहत आपको सिर्फ 2 साल तक की सज़ा होती थी एंड प्लस जितने भी सारे फाइन थे वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करता था कि कब कैसा सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता था आपकी फ़ाइन, आपकी इम्प्रिजमेंट 2 साल तक की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये जो जितने भी कानून हैं इसका इन्फ्लेशन रेट, इसकी सप्लाई चेन पूरी तरीके से ध्वस्त होगा। और ये मैं बता दूं तो पूरी तरीके से डिसफेवर में है, सरकार को पुनः इसे वापस लेना चाहिए बिल।
आप अगर इस फेवर में हैं या डिसफेवर में हैं कि सरकार को बिल वापस लेना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपनी नए वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूं कि ये 2024 आपके ज़िंदगी में एक रिमार्केबल अचीवेबल बनकर उभरे, यानी सफलतापूर्वक बनकर उभरे। और इस अवसर पर अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि फ्री विंक, और यहाँ पर आपको 80% तक सेल, किसी किसी प्रोडक्ट पर 70% प्लस में फ्री शिपिंग भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम इसकी वैरायटी एंड वेरियस प्रोडक्ट की बात करें, चाहे वो महिला का हो या फिर पुरुष का हो, तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। जैसे कि ठंडियों का सीजन चल रहा है, तो अगर हम हुडी की बात करें तो यहाँ पर आपको 42% का डिस्काउंट ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो ऑन दी स्पॉट आपको 10% की और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं साड़ी की बात करूं तो यहाँ पर 74% का है सेल चल रहा है अभी, और ये सेल कुछ लिमिटेड टाइम तक है, तो आप इसे चेकआउट करें लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर ये साड़ी 74% का है तो 10% मेरा अगर रेफरल कोड यूज करते हैं तो ये 84% का डिस्काउंट बनता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम इसके और भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि इसका सेल अभी 499 का लगा हुआ है, तो 499 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि कुर्ती या साड़ी या फिर मेंस के जैसे शर्ट्स एंड फिर हुडी, यहाँ पर वैरायटी ऑफ आइटम लगे हुए हैं जो कि हाई क्वालिटी से है ये। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये डील लिमिटेड टाइम तक है, तो आप इसे चेकआउट करें, प्लस फ्री शिपिंग भी है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, आप अपनी नेसेसिटी आइटम को खरीद सकते हैं।